नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 9 मई दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। जातीय गणना पर आज पटना हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। 4 साल में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बढ़े 18 बाघ। आम उत्पादन में पूरे देश में बिहार तीसरे नंबर पर। राज्य के इन जिलों में 10 और 12 मई को लगेगा जॉब कैंप। आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच कांटे की टक्कर। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय नौसेना में 242 पदों पर निकली भर्ती। भारतीय नौसेना के द्वारा सामान्य सेवा, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, नाल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर, पायलट, रसद, NAIC, शिक्षा, इंजीनियरिंग शाखा और विद्युत शाखा के कुल 242 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार को स्नातक पास किया होना आवश्यक है या कुल या समकक्ष CGPA में न्यूनतम 60% अंकों के साथ उम्मीदवार आखिरी साल में हो। इसके अलावा जिन उम्मीदवारों ने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय, कॉलेज, संस्थान से इंजीनियरिंग में 60% अंकों के साथ डिग्री या समकक्ष CGPA सिस्टम प्राप्त किया है, वे आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर 14 मई तक आवेदन कर सकते हैं। जातीय गणना पर आज पटना हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। बिहार में हो रहे जातीय गणना पर पटना हाई कोर्ट के द्वारा अंतरिम रोक लगाने के बाद 3 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख तय की गई थी, जिसके बाद बिहार सरकार की ओर से बीते शुक्रवार को जातीय गणना पर जल्दी सुनवाई करने के लिए पटना हाई कोर्ट में इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन दिया गया था, जिसे हाई कोर्ट के द्वारा स्वीकार करते हुए जातीय गणना की सुनवाई की तारीख को बदलकर 3 जुलाई के बदले 9 मई कर दी गई। यानी कि आज इस मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई की जाएगी और सरकार की ओर से महाधिवक्ता PK साही के द्वारा कोर्ट में पक्ष रखा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि अब तक इकट्ठे किए गए डेटा को सुरक्षित रखा जाए और अंतरिम आदेश पारित होने से पहले इसे किसी के साथ साझा न किया जाए। 4 साल में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बढ़े 18 बाघ। बेतिया स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बीते 4 सालों में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि 2022-23 के नेशनल सर्वे से इस बात की जानकारी निकलकर सामने आई है कि वर्तमान में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघ की संख्या 50 है, जबकि वर्ष 2018 में यह संख्या 32 थी। यानी कि इन 4 सालों में बाघों की संख्या में 18 की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी यह नेशनल सर्वे जारी है, ऐसे में बाघों की संख्या घट या बढ़ भी सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सर्वे का फाइनल आंकड़ा इंटरनेशनल टाइगर डे के अवसर पर 29 जुलाई को जारी किया जाएगा। मालूम हो कि सर्वे को लेकर बिहार के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन पाइक गुप्ता के द्वारा बताया गया है कि सर्वे इसलिए कराया जा रहा है ताकि यह पता किया जा सके कि देश भर में बाघों की संख्या कितनी है। वहीं इस सर्वे से जो भी आंकड़ा निकलकर सामने आएगा उसे केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे सिमुलतला हिल स्टेशन के बारे में। सिमुलतला हिल स्टेशन जमुई जिले का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ पर आपको चारों तरफ पहाड़ियों का सुंदर दृश्य देखने के लिए मिल जाता है। यह जगह बहुत ही सुंदर और शांत है। यहाँ पर आपको प्राचीन स्मारक देखने के लिए मिलते हैं जो अब खंडर में तब्दील होते जा रहे हैं। यहाँ पर आपको सबसे ऊंचा पहाड़ी स्थल लड्डू पहाड़ी देखने के लिए मिलती है। लड्डू पहाड़ी के सबसे ऊपरी सिरे पर मंदिर भी बना हुआ है। सिमुलतला हिल स्टेशन पर और भी पर्यटन स्थल है जहाँ पर आप घूम सकते हैं। इस जगह पर आप ट्रेन के माध्यम से और सड़क माध्यम से पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आप आकर अपना बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। यह जमुई जिले की सबसे अच्छी जगह है। सीएम नीतीश ने जनता दरबार में सुने 106 मामले। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अपने जनता दरबार में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 106 मामले सुने गए और साथ ही उनका हल भी निकाला गया। बता दें कि इन्हीं 106 मामलों में से एक मामला मुजफ्फरपुर जिला से आई एक महिला के द्वारा सीएम नीतीश के सामने गुहार लगाते हुए कहा गया कि पुलिस के द्वारा उन्हें एक फर्जी मामले में फंसा दिया गया है, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरे फरियादी ने कहा कि उससे भू लगान के लिए पैसे की मांग की जा रही है। बांका जिले से आए एक प्राध्यापक ने सीएम नीतीश से कहा कि मैं तिलकामांझ यूनिवर्सिटी में अध्यापन का कार्य कर रहा था, तभी बिहार बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों के द्वारा मेरी पिटाई कर दी गई। मैंने इस पर केस भी दर्ज करवाया पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वहीं नवादा जिले से आई एक फरियादी ने बताया कि नवादा सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं होने से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कैमूर जिले से आए फरियादी ने बताया कि अंतरजातीय विवाह को सरकार बढ़ावा दे रही है, लेकिन अंतरजातीय विवाह करने के बाद भी मिलने वाले लाभ से वो वंचित है। इस तरह के कई मामलों को सुनकर सीएम नीतीश के द्वारा मामले से संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
बिहार के दो राष्ट्रीय राजमार्गों का टू लेन निर्माण अगले साल तक होगा पूरा। बिहार वासियों को अगले साल तक दो राष्ट्रीय राजमार्गों का सौगात मिलने वाला है। बता दें कि 495 करोड़ रुपए की लागत से रोसरा शिवाजी नगर बहेरी दरभंगा NH 527E पेवर शोल्डर के साथ दो लेन का 46 किलोमीटर लंबाई और 610.78 करोड़ रुपए की लागत से चकिया बैडगिनिया NH 227F पेवर शोल्डर के साथ दो लेन का 36 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण अगले साल तक तैयार हो जाने का संभावना जताया गया है। मालूम हो कि इन सड़कों के निर्माण हो जाने से उत्तर बिहार में लोगों को आने जाने में काफी सुविधा होगी। बता दें कि इन दोनों सड़कों के निर्माण को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे रोशन सेठ के बारे में। रोशन सेठ OBE एक ब्रिटिश भारतीय अभिनेता, लेखक और थिएटर निर्देशक है, जिन्होंने यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में काम किया है। उन्होंने UK में 1960 के दशक की शुरुआत में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, लेकिन अगले दशक में अभिनय छोड़ दिया और एक पत्रकार के रूप में काम करने के लिए भारत आ गए। 1980 के दशक में वह रिचर्ड एटनबरो की अकादमी पुरस्कार विजेता फिल्म गांधी में जवाहरलाल नेहरू के रूप में अपनी वापसी के प्रदर्शन के लिए प्रमुखता से उभरे, जिसने उन्हें सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए BAFTA पुरस्कार के लिए नामांकित किया। वह तब से कई ब्रिटिश और अमेरिकी फीचर फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों में दिखाई दिए हैं, जिसमें इंडियाना जोन्स में छत्तरलाल और डूम के मंदिर, ए पैसेज टू इंडिया में अमित राव, माय ब्यूटीफुल लॉन्ड्रेंट में पापा हुसैन, मिसिसिपी मसाला में पैट्रियार्क जे की भूमिकाएं शामिल हैं। बिहार के 99% स्कूल हुए कोएड। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार राज्य भर में 99% स्कूल ऐसे हैं जो सशिक्षा यानी कि कोएड हो गए हैं, यानी कि इन स्कूलों में लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ सकते हैं। लेकिन बता दें कि यह व्यवस्था राज्य भर के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के लिए लागू की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के जिस जिले में सशिक्षा वाले स्कूल सबसे ज्यादा है, उनमें पहले स्थान पर 3,607 स्कूलों के साथ पूर्वी चंपारण है, वहीं दूसरे नंबर पर 3,259 स्कूलों के साथ मधुबनी, तीसरे नंबर पर 3,249 स्कूलों के साथ गया और चौथे नंबर पर 3,195 स्कूलों के साथ मुजफ्फरपुर है। वहीं अगर बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो यहां कुल 2,590 स्कूल सशिक्षा वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य के सभी स्कूलों को सशिक्षा वाले स्कूल बनने की घोषणा पटना हाई स्कूल के 100 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में किया गया था। साल की पहली SLBC बैठक इसी महीने, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक को लेकर अगर सरकार की ओर से समय दे दिया जाता है तो यह इसी महीने यानी कि मई के तीसरे सप्ताह में हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। मालूम हो कि इस साल होने वाले 50वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की यह बैठक चतुर्थ कृषि रोड मैप पर केंद्रित रहेगी, जिसमें बैंकों को जलवायु अनुकूल खेती, जैविक खेती, कृषि बाजार, डिजिटल कृषि खास करके क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक तथा ड्रोन में काम करने वाले स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए लोन देने का निर्देश दिया जा सकता है। इसके साथ ही डेयरी और फिशरीज में काम करने वाले लोगों को भी लक्ष्य के अनुरूप किसान क्रेडिट कार्ड मिले, इस पर भी जोर दिया जाएगा। आम उत्पादन में पूरे देश में बिहार तीसरे नंबर पर। फलों का राजा और भारत का राष्ट्रीय फल आम के स्वाद का दीवाना न केवल भारत बल्कि पूरा दुनिया है। बता दें कि बिहार में 1000 से अधिक अलग अलग किस्म के आम के उत्पादन होते हैं, वहीं दुनिया भर में पहले स्थान पर भारत है। लेकिन अगर हम यह बात कर रहे हैं कि पूरे भारत देश में आम उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है, तो सबसे पहले स्थान पर आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश है, जहां सबसे अधिक बॉम्बे ग्रीन, चौसा, दशहरा और लंगड़ा आम प्रसिद्ध है। वहीं दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश राज्य है, जहां सबसे ज्यादा बंगनापल्ली, नीलम, सुवाम रेखा और तोतापुरी आम प्रसिद्ध है। इसके साथ ही तीसरे स्थान पर बिहार राज्य आता है और यहां का सबसे प्रसिद्ध आम बॉम्बे ग्रीन, चौसा, दशहरा, फजली, लंगड़ा, गुलाब खास, किशन भोग, हिमसागर और जरदालू है। राज्य के इन जिलों में 10 और 12 मई को लगेगा जॉब कैंप। अगर आप भी नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बता दें कि 10 मई को भोजपुर जिला के नियोजनालय कार्यालय में 35 पदों के लिए जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि इस जॉब कैंप में 10वीं पास या उससे ऊपर के योग्यताधारी युवक भाग ले सकते हैं। मालूम हो कि यह जॉब कैंप के शुरू होने का समय पूर्वाह्न 11 बजे रखा गया है, वहीं यह जॉब कैंप शाम 3 बजे तक चलेगी। बता दें कि इसमें सिर्फ पुरुष आवेदकों का चयन किया जाएगा। वहीं दूसरी जॉब कैंप 12 मई को जिला नियोजनालय पूर्णिया की ओर से 30 पदों के लिए संयुक्त श्रम भवन ITI कैंपस वियाडा मनरेगा में आयोजन किया जाएगा, जिसमें 12वीं पास या इससे ऊपर के योग्यताधारी युवक भाग ले सकते हैं। इसमें युवक और युवती दोनों भाग ले सकते हैं। कर्मियों पर नकेल कसने की तैयारी में स्वास्थ्य विभाग।
बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य अधीक्षक सिविल सर्जन व जिला कार्यक्रम प्रबंधकों की बैठक में तय किया गया था कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से कर्मियों पर नकेल कसने की तैयारी की जाएगी। बता दें कि इस तैयारी के तहत अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर नर्स से लेकर सफाई कर्मी या गार्ड सभी की ड्यूटी की जाँच की जाएगी। इसके साथ ही इन सभी कर्मियों की बायोमेट्रिक हाजिरी भी अनिवार्य की जाएगी। मालूम हो कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मुख्यालयों से स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी चार्ट को भी हर महीने मांगा गया है। वहीं इन ड्यूटी चार्ट की समीक्षा की जाएगी और ऐसे में अगर अस्पताल प्रबंधन की ओर से मनमानी की गई या रोस्टर में अनियमितता बरती गई तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार में कंप्यूटर साइंस के 8,395 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। नई शिक्षक नियमावली के तहत बीपीएससी के माध्यम से जल्द ही राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई के लिए 8,395 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। बता दें कि बिहार के बच्चों को भी कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में बढ़ावा मिल सके, इसके अवसरों का लाभ मिल सके, इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से इंटरमीडिएट से ही कंप्यूटर की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में राज्य में 8,395 कंप्यूटर साइंस शिक्षकों की नियुक्ति होने से बच्चों को काफी सुविधा मिलेगी। मालूम हो कि कंप्यूटर साइंस विषय को लेकर MIT के पास आउट IT एक्सपर्ट बाल मुकुंद बिहारी का कहना है कि आने वाले समय में इसका करियर स्कोप और भी ज्यादा बढ़ेगा। डीजल की कारें बंद करने के लिए सरकारी पैनल ने की सिफारिश। देश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा पिछले कुछ समय से कई फैसले लिए जा रहे हैं। बता दें किसी कड़ी में अब सरकारी पैनल के द्वारा भारत सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा गया है जिसके तहत यह कहा गया है कि 4 साल बाद यानी कि 2027 से देश में डीजल से चलने वाली 4 व्हीलर वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि सरकारी पैनल के इस प्रस्ताव को भारत सरकार के द्वारा माना जा सकता है या फिर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। मालूम हो कि अगर सरकार के द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया जाता है तो सबसे बड़ा झटका डीजल से चलने वाली कार बनाने वाली कंपनियों को लगने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 अप्रैल 2023 से न्यू रियल ड्राइविंग लाइसेंस BS6 फेज 2 नियम लागू होने के बाद जिन कारों को कंपनियों के द्वारा ऑटो अपडेट नहीं किया गया है उसे भारत में रोक लगा दी गई है। राज्य में गर्मी दिखा रहा तेवर। बिहार में गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाना शुरू कर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में तपती गर्मी का दौर आ गया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य के तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही अगले कुछ दिनों में राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा। अभी बारिश के हालात कहीं भी नजर नहीं आ रहे, चिलचिलाती गर्मी का दौर आ चुका है। सूरज की तपिश बढ़ने का सीधा असर अधिकतम तापमान में दिखेगा। बुधवार से दक्षिण बिहार के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने के आसार नहीं है। पछुआ हवा की वजह से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। पटना जंक्शन के ऑटो स्टैंड की बदलेगी जगह। पटना जंक्शन में होने वाली भीड़ को देखते हुए लोगों को राहत पहुंचाने के लिए शासन स्तर पर यह फैसला लिया गया है कि अब पटना जंक्शन के ऑटो स्टैंड को बदल दिया जाएगा। बता दें कि नया ऑटो स्टैंड मल्टी मॉडल हब के पास शिफ्ट होने वाला है। इसके साथ ही यह भी खबर सामने आ रही है कि बसों के परिचालन पर रोक लगा दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसी बातें सामने आ रही है कि मल्टी स्टोरेज पार्किंग को नए सिरे से संचालित किया जाएगा। इसके अलावा बुद्ध मार्ग को जोड़ने वाली मल्टी लेवल पार्किंग वाले रोड का चौड़ीकरण भी किया जाएगा। इसके साथ ही चौक के दोनों ही ओर चिरैया टार से लेकर GPO गोलंबर तक बड़े पैमाने पर जाम की समस्या को देखते हुए विकास के लिए नई व्यवस्था का प्लान तैयार किया जा रहा है। मालूम हो कि पटना जंक्शन के आसपास के इलाके में अतिक्रमण को हटाने के लिए काम की शुरुआत कर दी गई है। बता दें कि पटना ऑटो स्टैंड के शिफ्ट होने पर लोगों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। तेजस्वी द्वारा गुजरातियों को ठग कहने के मामले में अहमदाबाद कोर्ट में इस दिन होगी सुनवाई। बिहार विधानसभा बजट सत्र के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए गुजरातियों को लेकर एक विवादित बयान दिया गया था, जिसके बाद उनके इस बयान को लेकर उनके खिलाफ कारोबारी हरीश मेहता के द्वारा अपर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट DJ परमार की कोर्ट में IPC की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का शिकायत दर्ज करा दी गई थी। वहीं इस मामले को लेकर बीते दिन यानी कि 8 मई को अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट के द्वारा सुनवाई की गई और अगली तारीख निर्गत कर दी गई है। मालूम हो कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 21 मई को की जाएगी और उसी दिन अदालत के द्वारा तथ्यों की जांच कर यह निर्णय लिया जाएगा कि तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का केस बनता है या नहीं। मालूम हो कि अगर तेजस्वी यादव पर इस मामले को लेकर मानहानि का मामला बनता है तो उनके खिलाफ समन भी जारी किया जा सकता है। बता दें कि तेजस्वी यादव के द्वारा कहा गया था कि वर्तमान में जो हालात है उसे देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग है। मरीजों को नहीं लगाने पड़ेंगे अब अस्पताल के चक्कर। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत भव्या सॉफ्टवेयर ऐप को तैयार किया गया है।
इस ऐप के तहत अब मरीजों के रजिस्ट्रेशन से लेकर जांच, इलाज, मरीज की दवा के साथ साथ पूरे स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी मरीज आसानी से ले सकेंगे। डॉक्टर भी रजिस्ट्रेशन के बाद ओपीडी में मरीजों की तरह ही किसी प्रकार के जांच और दवा को ऐप पर ही लिखेंगे। साथ ही साथ जो रिपोर्ट मरीजों के जांच के बाद आएगी उसे भी इसी ऐप पर अपलोड किया जाएगा। इससे पहले अक्सर मरीजों को बार बार पुर्जा कटवाने या अस्पताल लाने की जरूरत होती थी, लेकिन ऐप के आ जाने के बाद मरीजों को इन परेशानियों से छुटकारा मिल सकेगा। मुंबई में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिलेंगे सीएम नीतीश। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा देश के सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाने के लिए जी तोड़ कोशिशें की जा रही है। बता दें कि इसी कड़ी में आज यानी कि 9 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भुवनेश्वर जाने वाले हैं, जहां वह उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मिलने वाले हैं। वहीं अब मीडिया में यह भी खबर चल रही है कि सीएम नीतीश बहुत जल्द ही मुंबई में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी मिल सकते हैं। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार सीएम नीतीश इन दोनों नेताओं से मिलने के लिए मुंबई जाने वाले हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इनकी मुलाकात 11 मई को हो सकती है। मालूम हो कि बताया यह भी जा रहा है कि सीएम नीतीश के द्वारा इन दोनों नेताओं से फोन पर बातचीत की गई है। चाचा पारस को झटका देने की तैयारी में भतीजा चिड़ा। बीते दिन सोमवार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद महबूब अली कैसर के बीच मुलाकात हुई। बता दें कि इस मुलाकात के बाद ऐसा माना जा रहा है कि चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस को झटका देने की तैयारी में लगे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी यह पूरी कोशिश कर रही है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच समझौता हो जाए, लेकिन चिराग और पारस दोनों में से कोई भी समझौते को तैयार नहीं है। मालूम हो कि एलजेपी में पशुपति पारस को मिलाकर कुल 5 सांसद है, लेकिन एलजेपी रामविलास में केवल चिराग पासवान अकेले सांसद हैं। सुहेली मेहता ने छोड़ा जेडीयू का साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जेडीयू को एक बड़ा झटका लग गया है। बता दें कि जेडीयू की पूर्व प्रवक्ता सुहेली मेहता के द्वारा एक बड़ा फैसला लेते हुए जेडीयू पार्टी से इस्तीफा दे दिया गया है, यानी कि अब वह जेडीयू से अलग हो चुकी हैं। मालूम हो कि सुहेली मेहता के द्वारा पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया गया है कि जेडीयू में महिलाओं को इज्जत नहीं मिलती है। ऐसे में वे अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकती और पार्टी की नीतियों से परेशान होकर उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने नई शिक्षक नियमावली पर अपना बयान देते हुए कहा कि बिहार के शिक्षकों के साथ धोखा हो रहा है। हालांकि इस बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि वह अब जेडीयू को छोड़ने के बाद किस पार्टी में शामिल होने वाली है, लेकिन यह जरूर कहा है कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए, सब पता चल जाएगा। आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच कांटे की टक्कर। आज आईपीएल 2023 के 16वें सीजन का 54वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। बता दें कि अब तक इन दोनों ही टीमों ने 31 मैच खेले हैं, जिसमें 17 मुकाबलों में एमआई को जीत मिली है, जबकि 13 मौकों पर आरसीबी को जीत मिली है। एक मुकाबला टाई रहा था। दोनों टीमों की पिछली 5 भिड़ंतों में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने मुंबई इंडियंस को 5 बार हराया है। मालूम हो कि आज का यह मैच दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर की होगी। वहीं वानखेड़े के मैदान पर मुंबई इंडियंस की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से सीजन में मिली पहली हार का हिसाब चुकता करना चाहेगी। ऐसे में देखना है कि इस मैच में किस तरह के हालात बनते हैं। फिलहाल दोनों ही टीमें एक दूसरे के ऊपर बनी हुई है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ। विश्वविख्यात ऐतिहासिक इमारत ताजमहल का निर्माण 22 वर्ष के निरंतर परिश्रम के बाद 1653 में हुआ। जाट राजा सूरजमल ने 1753 में दिल्ली में लूटमार की। मुंबई में पहली बार घोड़े से खींची जाने वाली ट्रामकार 1874 में शुरू हुई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अगुवाई में गोवा में पुर्तगाल के शासन के खिलाफ 1946 में पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ। स्वतंत्रता सेनानी समाजसेवी विचारक एवं सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 1866 में हुआ। हिंदी के जाने माने निबंधकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का निधन 1995 में हुआ। वेलकम, आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक फर्जी भर्ती पत्र में दावा किया गया है कि उम्मीदवार को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जा रहा है और 4,950 रुपए की राशि जमा करना चाहता है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि श्रम मंत्रालय के द्वारा ऐसा कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है। स्कैन कॉपीज का एसेट टेक्स्ट में कर सकते हैं तब्दील।
कई बार हम जरूरी दस्तावेज और फाइल्स को संभाल कर रखने के लिए फोटो खींच लेते हैं। ऐसे में अगर आप टाइप किए बगैर अपने कंप्यूटर पर अपने जरूरी दस्तावेज को सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जिस भी लेटर या फाइल को कंप्यूटर पर सेव करना चाहते हैं सबसे पहले उसकी फोटो ले और फिर उसे गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दे। ध्यान दे, आपकी फोटो साफ सुथरी होनी चाहिए। गूगल ड्राइव में अपलोड करने के बाद फाइल पर राइट क्लिक करे और इसे गूगल डॉक्स पर ओपन कर ले। ऐसा करते ही फोटो पर लिखा टेक्स्ट कंप्यूटर पर अपने आप आ जाएगा और फिर आप इसे सेव कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलें और फिर विंडो प्लस एच को दबाएं। ये कमांड देने पर माइक्रोसॉफ्ट स्पीच सर्विस ऑन हो जाएगी और आप बोल बोल कर फाइल को बिना कीबोर्ड के टाइप कर सकते हैं। बीते दिन हमारे पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजीव कुमार, रामनवी मांझी, रवि कुमार राम, सुरुचि कुमारी, नितेश कुमार, शंकर मुखिया, प्रमोद राम, कुश कुमार यादव, पंकज कुमार दास, भरत प्रसाद देव, देवानंद देव, आदित्य कुमार, पी के पासवान, रवि रंजन कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या चिराग पासवान और पशुपति पारस को आपस में समझौता कर लेना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।